नोट्स तो मिल गए होंगे ना आप लोगों को पीडीएफ वाले? अरे नो मैम। वो लिंक चेक किया करो आपके ग्रुप में, जो लिंक है जिसमें ओके मैम। मैंने कल ही अटैच कर दिए थे। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप से हो सकते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होंगे जो किसी क्रोमोसोम के अंदर डिसऑर्डर होंगे। क्रोमोसोम का नंबर कम हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो रहा है, ये होंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर होंगे जिसमें क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड जीन अफेक्टेड होगा, तो ये होंगे हमारे, इन्हीं को हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं, मतलब जीन्स वाले डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर के तो क्लासिफिकेशन ही है, ये डिसऑर्डर इन जीन, डिसऑर्डर इन जी। अब एक चीज बताओ, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वो टेस्ट पढ़ाया था एमनियोसेंटेसिस सिक्स डिटर्मिनेशन, वो टेस्ट एग्जैक्टली किया किस लिए जाता है? मैम सेक्स डिटरमिनेशन करने के लिए मैम, जिसके वो तो बॉय या गर्ल है, इलीगल हो गया था। डिसऑर्डर को जानने के डिसऑर्डर्स लिए फाइंड करने हम के लिए, पहले एग्जैक्ट क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को फाइंड करने के लिए वो आपका टेस्ट बनाया गया था, ताकि किसी भी फीटल स्टेट में ही हम लोग ये बता पाए कि एग्जैक्टली कि जो नया फीटस डेवलप हो रहा है उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या नहीं है। लेकिन फिर उसका मिसयूज करके क्या करने लग गए, सेक्स डिटरमाइन करने लगे, जबकि वो जो टेस्ट आपका डिस्कवर किया गया था वो सेक्स डिटरमाइन के लिए नहीं, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। या हम उसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस मैम। यस क्रोमोसोम नहीं कर नहीं सकते कर मैम, सकते, नहीं कर क्योंकि सकते क्रोमोसोम सर। है बच्चों, तो मैं ये तो बता सकती हूँ, मतलब माइक्रोस्कोप में देख के बता सकती हूँ क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा है या कम है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर लोकेटेड जीन वो बताना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो हम फीटल स्टेट में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को कब आइडेंटिफाई करेंगे? सिर्फ जब इनके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का हम पहले इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, सिर्फ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम पता लगा पाते हैं। इसीलिए जितने भी हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्टेड बाय कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग मतलब एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्रोमोसोम्स के नंबर को चेक करते हैं, क्रोमोसोम्स की एक इमेज हमारे सामने बन के आ जाती है। जैसे आप लोग सीटी स्कैन वगैरह कराते होंगे ना, आपके बॉडी ऑर्गन्स यस का मैम, एक यस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज सामने बन के आती है, ऐसी कैरियोटाइपिंग में क्रोमोसोम्स की इमेज बन के आती है, उसमें हम बता देते हैं क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है काउंट करके। लेकिन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स तो हम नहीं बता सकते, तो इसका मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में नो कैरियोटाइपिंग। मैम, लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम पेडिग्री में एनालाइज नहीं कर सकते, पेडिग्री एनालिसिस यहाँ पे नहीं हो सकता। अभी पेडिग्री एनालिसिस क्या है वो भी समझाओ, जबकि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का पेडिग्री डिग्री एनालिसिस। एनालिसिस हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, हो लिया मैम, लिख गया ना? अब इसके बाद आता है, सबसे लिया पहले तो हमारे आया कि भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में कुछ बेसिक से टर्म्स, जैसे कि हम लोगों को पता है डोमिनेंट क्या होता है, जो अपने आप जो कुछ सो अपने हो जाएगा तो और आप हमारा का जाएगा, दोनों स्टॉप, को अरे कन्वर्ट एक होता करता है है रिसेस। रिसेसिव, हाँ डोमिनेंट रिसेसिव, रिसेसिव वो जो अपने आप को हाइड करता है, लेकिन रिसेसिव भी F2 जनरेशन में जाके अपने आप को शो करने लग जाता है, नहीं? यस मैम, ठीक है, तो ऐसे ही यस हमारे पास जो डिसीज होती है वो
चार टाइप की हो सकती है, डिसीज या डिसऑर्डर्स लिखना चाहो लिख लेना। सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट डोमिनेंट, ठीक है, एक हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव, रिसेसिव और एक हो जाएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डोमिनेंट एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक हो जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। रिसेसिव अब सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने प्ले स्कूल्स में देखा होगा, मतलब जब हम लोग प्ले स्कूल्स में थे तब तो ये नहीं होता था, बट अब प्ले स्कूल्स में ना फैमिली ट्री बनवाया जाता है, ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो लगा देंगे, उसके नीचे फैमिली हमारे पैर पेरेंट्स की, अंकल आंट उनकी, फिर उसके नीचे उनके बच्चों की, फिर उनके नीचे उनके बच्चों की, एक पूरा चार्ट बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, यस मैम उसको ट्री यस बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी एक ट्री बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पेडिग्री, जिसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कि एक फैमिली के अंदर कोई भी ट्रेट, ट्रेट का मतलब कोई भी डिसीज किस तरह इनहेरिट हो रही है, किस तरह इनहेरिट हो रही है। तो सिंपल चीज है, जब भी हम लोग पेडिग्री एनालिसिस को देखेंगे तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपका स्टेप वन, स्टेप वन में आप लोग चेक करोगे कि जो आपको चार्ट दिया हुआ है, जो पेडिग्री दिया हुआ है, वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। चेक, डोमिनेंट है या रिसेसिव। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा डोमिनेंट है या रिसेसिव, वो ऐसे पता चलेगा कि सपोज कर रहे हैं हमारे पास तीन जनरेशन दी हुई है और तीनों की तीनों जनरेशन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल अफेक्टेड है, एक भी या एक से ज्यादा भी, तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट। ठीक है, तो मतलब डोमिनेंट में क्या होता है, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी डिसीज होगी, सेकेंड जनरेशन में भी होगी, थर्ड जनरेशन में होगी, जितनी जनरेशन है हर एक जनरेशन में एक ना एक इंडिविजुअल अफेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा आप लोगों को ट्री देखने के लिए मिल रहा है तो आप बोलोगे कि ये जो डिसीज इन फैमिली के अंदर प्रेजेंट है वो डिसीज किस टाइप की है, डोमिनेंट टाइप की है, क्योंकि वो हर जनरेशन में अपने आप को शो कर रही है, इस मींस रिसेसिव तो वो नहीं हो सकती ना। यस मैम रिसेसिव के अंदर क्या आ जाएगा, स्किपिंग ऑफ जनरेशन आ जाएगा। सपोज फर्स्ट जनरेशन हमारी अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन नहीं है और थर्ड जनरेशन अफेक्टेड है, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, कैसी ट्रेट है ये, रिसेसिव रिसेसिव टाइप की ट्रेट है। फिर रिसेसिव आता है हमारे पास स्टेप टू, पहला स्टेप हमेशा डोमिनेंट और रिसेसिव चेक करना, फिर उसके बाद आप चेक करोगे कि हमारी जो डिसीज है वो ऑटोसोमल है या फिर एक्सलिंग एक्स लिंक्ड है। अब ऑटोसोमल और एक्स लिंक के पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लो। सपोज कर रहा है मेल और फीमेल है, या फिर फादर और मदर लिख लो, फादर के अंदर होते हैं क्रोमोसोम कितने, 22 प्लस, प्लस एक्स वाई, मदर के अंदर 22 प्लस प्लस एक्स एक्स, एक्स तो इनके पास जो 22 है ये तो क्या है, ऑटोसोम्स है। तो सोचो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उस ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होगा, 22 उधर से आएंगे, 22 उधर से आएंगे, कितने हो जाएंगे, 44 प्लस। सपोज फादर का एक्स आया और फीमेल का भी एक्स आया तो क्या बन गई, डॉटर बनेगी, बनेगी ना, फीमेल बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो ऑटोसोम है, ऑटोसोम मदर और फादर दोनों से आता है। तो सपोज कर रहे हैं हम लोग कि हमारे पास जो फादर हैं इनके ऑटोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स में से कोई भी एक ऑटोसोम जो है, मतलब कोई भी एक क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड है, तो इसका मतलब अगर फादर अफेक्टेड है तो इक्वल चांसेस है ना डॉटर और सन दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ऑटोसोमल डिसीज को फाइंड करने का यही तरीका होता है कि अगर यहाँ पे हमारे फादर अफेक्टेड हैं तो फादर से उनका सन भी अफेक्टेड हो सकता है और
डॉटर डॉटर भी अफेक्टेड हो सकता है. सेम केस विद मदर. अगर यहाँ पे मदर अफेक्टेड है तो भाई मदर से हमारे सन भी अफेक्टेड हो सकते हैं और डॉटर भी अफेक्टेड हो सकती है, दोनों अफेक्टेड हो सकता है. अब बात आती है कि मैं एक्स लिंक कैसे पता करूंगी. एक्स लिंक का मतलब होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो अफेक्टेड है. सपोज हमारे पास फीमेल में ये एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है और हमारे पास एक नई डॉटर बनी और यही एक्स क्रोमोसोम फीमेल से यहाँ पे आया और फादर से एक्स आया, तो जो यहाँ पे डॉटर बनेगी वो अफेक्टेड बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी, कैरियर बनेगी, डॉटर कैरियर बनेगी. अगर मदर अफेक्टेड है तो डॉटर हमेशा कैरियर बनेगी, ठीक है. तो एक्स लिंक के अंदर क्या होता है, एक्स लिंक के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या फिर क्रिस क्रॉस पैटर्न. क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है अगर मेरे पास फादर अफेक्टेड है तो फादर से हमेशा वो डिसीज किसके अंदर ट्रांसफर होगी, डॉटर के अंदर. और अगर हमारे पास मदर अफेक्टेड है तो मदर से वो डिसीज सिर्फ और सिर्फ. आप सबसे पहला स्टेप आपने किया डोमिनेंट और रिसेसिव को पता कर लिया. डोमिनेंट और रिसेसिव पता करने के बाद आप पहले चेक करोगे कि वो एक्स लिंक है या नहीं है. आप चेक करो फादर अफेक्टेड है फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में कौन अफेक्टेड है. अगर सिर्फ और सिर्फ एक डॉटर अफेक्टेड है तो आप उसको एक्स लिंक लिख दोगे. मदर और सन दोनों अफेक्टेड है, ऑटोसोमल लिख दोगे. और फादर सिर्फ और सिर्फ सन अफेक्टेड है, डॉटर अफेक्टेड नहीं है फादर से सिर्फ और सिर्फ सन, तब भी क्या लिखोगे? ऑटोसोमल. ऑटोसोमल, बस सिंपल सही चीज होती है, दो चीजें चेक करनी पड़ती है, उसी बेसिस पे आप बता दोगे ऑटोसोमल डोमिनेंट है ऑटोसोमल रिसेसिव है. एक्स लिंक में बेटा क्रिस क्रॉस पैटर्न देखा जाता है क्योंकि एक्स लिंक डिसीज के अंदर क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है. तो ये जो डिसीज होती है ये फादर से हमेशा डॉटर में ट्रांसफर होगी और मदर से हमेशा सन के अंदर ट्रांसफर होगी. फादर से डॉटर में, मदर से सन के अंदर. अगर ऐसा पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है तो समझ जाना वो डायरेक्टली एक्स लिंक है. ओके मैम, इतना समझ रहा, क्लियर हो गया सबको? बाकी जब क्वेश्चंस करोगे ना पेडिग्री से आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे चीजें. यस मैम. चल अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं. इसके हमारे पास, हाँ जी मैम, मेरे को पीछे वाले स्लाइड दिखा, ये देखो मैम, ये 44 प्लस दोनों एक्स क्यूब पर मैम सीसी है, तो मैम ये फिर अफेक्टेड फीमेल होगी ना? कौन से वाली? ये डॉटर वाली. यस मैम. हाँ ये अफेक्टेड होगी. अब अफेक्टेड ये कब होगी? जब हमारे फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है. फादर, बिकॉज फादर का अगर एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो फादर अफेक्टेड होगा. लेकिन अगर मदर के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है सिर्फ, तो मदर अफेक्टेड नहीं, मदर क्या होगी वहां पे? कैरियर होगी, ठीक है. तो डॉटर मैम, जो ये फीमेल है ये तो अफेक्टेड होगी ना, जो बनेगी ये डिपेंड करेगा ना बेटा यहाँ पे कि कौन से में आपका मदर कैरियर है या नहीं है. मैंने सिर्फ एग्जांपल लेके बताया, अभी यहाँ पे पूरा केस नहीं लिया. ओके मैम. मदर कैरियर है या नहीं है हटा लो इसको, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एग्जांपल है ये. हो गया. अब आ जाओ, हमारे पास दो एग्जांपल्स आते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव के. मैम हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दो एग्जांपल्स हैं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. फर्स्ट लिखो कलर ब्लाइंडनेस. क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आता है कि ये कौन सी टाइप की डिसीज है, तो दो डिसीज याद रखना है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, बोथ आर एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज. और ये हमेशा क्या टारगेट करती है डिसीज में? टारगेट करती है आपके कॉन्स इन आईज. पढ़े होंगे ना टेंथ क्लास में रोड्स एंड मैम रेड और ग्रीन कॉन्स को टारगेट करती है. तो यहाँ पे हमारे पास एक मेल है एक फीमेल है, ठीक
ठीक है, मेल है हमारे पास एक्स सी वाई और फीमेल है एक्स सी एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेल है वो तो अफेक्टेड है ना, yes, और फीमेल क्या है, कैरियर, कैरियर है। बनाओ जरा इसका पैटर्न। क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको यहाँ पे? एक नॉर्मल है, एक फीमेल अफेक्टेड है, एक मेल अफेक्टेड है और एक कैरियर है। यस मैम। एक्ससी रेशियो, एक्ससीएक्स रेशियो, एक्ससीवाई रेशियो, एक्सवाई। तो भाई ये मेरे पास जो एक्ससीएक्सी है क्या है? अफेक्टेड फीमेल। फीमेल है। अफेक्टेड फीमेल है। और ये कैरियर फीमेल है। दिस इज अफेक्टेड मेल। नॉर्मल मेल। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, probability of getting affected boy, क्या होगी probability? 25% one by four, one by two. सुन लो भाई, टोटल मेल कितने हैं? दो में से कितने अफेक्टेड हैं? दो है, दो एक अफेक्टेड है, तो 50%, इसलिए मैम 50% सेम फीमेल का हो जाएगा। वो यस मैम, मतलब इसमें ओवरऑल चार नहीं लेंगे, सिर्फ दो लेंगे। ओवरऑल कितने मैम? जिससे हम परसेंटेज निकालते हैं तो चारों जीनोटाइप का निकालते हैं ना, 1/4, पर इसमें दो ही लिए क्योंकि मेल तो दो ही बन रहा है ना। इन्होंने अफेक्टेड बॉयज की पूछी, नॉट अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अगर दोनों का पूछता तो मैम 25% होता उस बॉय का। हो गया यस। अब इस डिसीज के अंदर होता क्या है मैम? ये कलर का पता नहीं लगा पाते, रेड और ग्रीन में ग्रीन मैम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। इसको एक और डिसीज बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेसिया मैम, कलर ब्लाइंडनेस को। जब रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश, मतलब जब दो कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, डाइक्रोमेसिया। ठीक है, और ये रेयर इन फीमेल होती है। यस 0.4% होती है, 0.4% होती है। और अगर हम फीमेल का केस लेंगे भाई, अगर हमें चाहते हैं कि हमारी सारी की सारी फीमेल्स अफेक्टेड हो, तो फीमेल क्या होनी चाहिए? कैरियर फीमेल। उसी से हमारे पास ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। और इसके अंदर कैसा पैटर्न देखा जाता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? बिकॉज़ ये मैम एक्स लिंक रिसेसिव है ना। एग्जैक्टली, लिख लो जल्दी से। हो गया? नो मैम। मैम नहीं, कर लो बच्चों। मैम क्रिस क्रॉस क्यों होगा, एक बार दोबारा बता दो। क्योंकि एक्सलिंग डिसीज है ना, सारी एक्सलिंग डिसीज क्रिस क्रॉस होती है। ओके मैम। मैम 8% बॉयज इसमें इफेक्टेड पाया जाता है। मैम बॉयज वाला भी लिखना है, 8% लिखना चाहो लिख लो, आपकी मर्जी है। मैम लिख लिया।
मैम हो गया, हो गया ना। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। नेक्स्ट वन डिजीज दैट वी हैव इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी कैसी डिसीज है? अच्छा, इसको रिसेसिव क्यों बोल रहे हैं मैम? क्योंकि ना ये कैरियर फीमेल में शो नहीं होता, पर आगे वाली जनरेशन में शो हो जाता है। एग्जैक्टली, नेक्स्ट जनरेशन में शो हो जाता है, रिसेसिव जीन है इसके पास। हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया को हम एक और नाम देते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर। एक और डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे आगे, जिसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव में ब्लड की क्वालिटी चेंज होती है। कैसी क्वालिटी चेंज होती है ब्लड की? ब्लड क्लोटिंग नहीं, क्लोटिंग नहीं होता ब्लड का। तो इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग अफेक्टेड हो जाता है। एंड एक्सलिंक है तो ऑब्वियसली क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाएगा। और हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए हम लोगों को पता है कुछ फैक्टर्स होता है, है ना? तो इसी बेसिस पे हीमोफीलिया दो टाइप की हो सकती है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। वैसे क्वेश्चन नहीं आता इसके ऊपर, बट जनरल नॉलेज के लिए है ये। हीमोफीलिया ए डिसीज हमको तब होती है जब हमारे ब्लड का फैक्टर नंबर 8 अफेक्टेड हो जाए, और बी वाली होती है जब फैक्टर 9 अफेक्टेड हो जाए। बाकी पैटर्न इसका भी एग्जैक्टली कलर ब्लाइंडनेस के जैसा रहता है, वही क्रॉस। उसको एक्स सी से लिख देते हैं, इसको एक्स एच वाई, ये अफेक्टेड मेल, और एक्स एच एक्स के साथ क्रॉस करा दो इनकी। हीमोफिलिक मेल विद कैरियर फीमेल, सेम पैटर्न आएगा 50-50। मैम वही रेशियो आएगा ना फिर? सेम, बिल्कुल सेम। लिखो इसको भी जल्दी से। मैम हो गया, हो गया ना। तो सिर्फ हमारे पास ये दो डिसीज आती हैं जो ऑटोसोमल एक्स लिंक होती हैं। अब बात आती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, बिकॉज क्वेश्चन डिसीज पे ज्यादा डिटेल में नहीं आता। बस मैम ऑटोसोमल या एक्स लिंक? ऑटोसोमल रिसेसिव सिकल सेल, ये तो था एक्स लिंक रिसेसिव। अब पढ़ रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया बेटा, एक तो याद रह जाती है, बाकी सारी याद नहीं रहती, बहुत सारी होती है। तो देखो, उसकी मैंने खुद से याद करने के लिए ट्रिक बनाई हुई थी कि कौन कौन सी डिसीज मेरे पास ऑटोसोमल रिसेसिव में आएगी। तो ट्रिक है हमारी अल्का सिस्टिक फेनाइल पिलेनेसे। पढ़ना इसको जरा, अल्का सिस, सिस मतलब सिस्टर, सिक बीमार था, अल्का को मेल बना दो फिनाइल पीने से। अल्का मतलब एल्केप्टोन्यूरिया, सिस मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिक सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया था, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल, फिनाइल कीटोनोरिया, फिनाइल कीटोनोरिया। हो जाएंगे अब सारी डिसीज याद एक साथ ही, कौन कौन सी ऑटोसोमल रिसेसिव है। लिख लो फिर इनको जल्दी जल्दी से। और ऑटोसोमल डिसीज है तो मेल और फीमेल दोनों की अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी इक्वल इक्वल होगी ना? सेम।
मैम पीने से कोई डिसीज नहीं है? नहीं हो गया मैम। हो गया ना सबका? यस मैम। ये तो थी हमारे पास। अच्छा इसी के नीचे ना क्रोमोसोमल वाली थी भी। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, तीन डिसऑर्डर हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे केटीएम का नाम सुना है? अच्छा आप लोगों ने केटीएम क्या होता है? नो बाइक, केटीएम बाइक होती है, उसी से हमारी ट्रिक है। के टी डी, के टी डी, के फोर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, लाइन फेल्टर सिंड्रोम, इसे मैम टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर, इसे डाउन सिंड्रोम, डी से डाउन सिंड्रोम। अब याद रहेंगी? देखो सिर्फ तीन टाइप के डिसीज पढ़नी है, एक्स लिंक रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ऑटोसोमल रिसेसिव, अल्कोसिस, सिक्का, फिनाइल पीने से, ठीक है। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में तीन डिसीज, केटीडी। केटीडी में भी एक सिंपल चीज है याद रखने का कि जितनी भी हमारी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसके अंदर क्रोमोसोम का काउंट 46 से बढ़ के कितना हो जाता है? 47। और इसमें एक कम हो जाता है, फिर इसमें एक बढ़ जाता है 47, 45, 47। और 47 में भी होता क्या है, ऑटोसोम्स तो सेम रहते हैं, यहाँ पे एक्सएक्स वाई कंडीशन बढ़ जाती है, हो जाती है टर्नर के अंदर ए ए प्लस एक्सो, बिकॉज एक गायब हो रहा है, एक्सो कंडीशन। और डाउन सिंड्रोम के अंदर ऑटोसोम्स बढ़ते हैं तो ट्रिपल ए प्लस एक्सएक्स भी हो सकता है, ट्रिपल ए प्लस एक्स वाई भी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 प्लस एक्स सिक्स और 45 प्लस एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे ट्राइसोमी। मैम डाउन सिंड्रोम दोबारा बता दो। डाउन सिंड्रोम के अंदर होता क्या एग्जैक्टली? ऑटोसोम्स नॉर्मल किसी भी इंडिविजुअल के अंदर 44 होता है, नहीं होता है? यस मैम। डाउन सिंड्रोम के अंदर 44 ना होके 45 हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, कहाँ पे? 21st क्रोमोसोम के ऊपर। मैम तो आपने 47 लिखा है। 47 लिखा है मैम आपने। 47 ही तो गए, 45, 46, 47। मैम बेटा टोटल 47, और सिर्फ ऑटोसोम्स की बात करेंगे, नॉर्मली ऑटोसोम 44 होता है, 44 के अंदर एक बढ़ गया, 45 और दो सिक्स क्रोमोसोम, नहीं समझ? मैम नॉर्मल केसेस, नॉर्मल केस में क्या होता है किसी का भी 44 प्लस एक्सएक्स या 44 प्लस एक्सवाई? यस मैम। नहीं होता ना। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, सिक्स क्रोमोसोम एज इट इज रहता है, मेल होगा एक्सवाई होंगे, फीमेल होगा एक्सएक्स रहेंगे, सिर्फ ऑटोसोम 44 से बढ़ के ऑटोसोम 45 हो जाता है, सिक्स क्रोमोसोम एज इट इज है, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 47 हो गए, नहीं हो गए? ऑटोसोम 44 होता है, उसके अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, और कौन से नंबर पे बढ़ता है? 21st वाला जो क्रोमोसोम होता है ना, उसमें उसके अंदर ट्राइसोमी आ जाती है। हाँ अनिशा मैम, ये आपने ए ए प्लस एक्स ओ लिख रखा है। हाँ ए ए, ए, ए का मतलब होता है ऑटोसोम्स, प्लस एक्स ओ का मतलब एक क्रोमोसोम गायब हो गया। ओके मैम। मैम मेरे एक बार दिखा दो वो स्लाइड।
मैम ये आपने ए ए प्लस एक्स एक्स वाई लिखा है। हाँ ए ए प्लस एक्स एक्स वाई, अगर फीमेल है तो उसके अंदर एक वाई क्रोमोसोम, और वैसे मेल के अंदर जनरली होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है ये, जो फीमेल से एक एक्स क्रोमोसोम आना है एक की जगह पे दो एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, और मेल से एक नॉर्मल वाई ही आता है। ओके, अगर हम देखो इसको भी थोड़ा क्लासिफाई करें तो इसमें मेरी जो के और टी ये दो ऐसी डिसीज है जिसके अंदर सिक्स क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, है ना। देखो ऑटोसोम एज इट इज है, डाउन सिंड्रोम एक ऐसी डिसीज है, तो अगर मैं क्रोमोसोमल को भी ऑटोसोमल और सिक्स लिंक में डिवाइड करूं तो के और टी एक्स लिंक में आएंगे और डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल में आएगा या नहीं। क्रोमोसोम अफेक्टेड हो रहे हैं और इन दोनों के अंदर सिक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हो रहे हैं, सिंपल। यस मैम, अब आ जाओ सबसे पहली डिसीज मेरे पास जो हम लोगों को डिटेल में पढ़नी होती है, इफेक्ट्स नहीं पढ़ने में इनके सिम्टम्स। यस मैम, सिम्टम्स ही पढ़ाऊंगी बेटा, बस अभी बेसिक बेसिक वाली चीजें बता रही हूँ जो याद रखना है, फिर उसके बाद पीडीएफ से सारे के सारे सिम्टम्स एक साथ लिखवा दूंगी क्योंकि उसको फिर लिखने में टाइम जाएगा ना ज्यादा। तो पहला लिखो सिकल सेल एनीमिया, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। सिकल सेल एनीमिया ये कैसी डिसीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज के अंदर क्या होता है, एक ऑटोसोम है, कौन से वाला, 11 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है। एग्जाम्पल नहीं ले रही हो, एग्जैक्टली 11th नंबर का ही क्रोमोसोम होता है। 11th नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है, जो जीन क्या बनाता है, बीटा ग्लोबिन चेन बनाता है हीमोग्लोबिन की। मैम इसमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना, सिकल सेल हो जाता है। अब देखो क्रोमोसोम नंबर 11 है, सभी इंडिविजुअल के अंदर होता है, हर किसी के अंदर होगा, ठीक है। अगर मेरे क्रोमोसोम नंबर 11 पे बीटा ग्लोबिन चेन बनाने वाला जीन है तो आपके बॉडी में भी सेम होगा, हर किसी के अंदर सेम होता है ये। तो इसके अंदर क्या है कि जब तक मेरा जीन अफेक्टेड नहीं है, नॉर्मल केस बता रही होंगी, नॉर्मल केस में उस जीन का सिक्वेंस है सी टी सी और सी के अपोजिट जी, टी के अपोजिट ए, सी के अपोजिट जी, ठीक है। और अफेक्टेड होके क्या बन जाता है, ये अफेक्टेड मतलब म्यूटेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे टी की जगह पे ए आ जाता है। yes, तो अब इसका दूसरा स्ट्रैंड भी चेंज हो जाएगा, जी टी हो जाएगा या नहीं। अब पहले तो ये क्या कर रहा था, जब हम इसको कोड कराएंगे तो इसका mRNA बन रहा था जी ए जी, और इसका mRNA अब क्या बन जाएगा, जी यू जी बन जाएगा। अब इसका कुछ बच्चों को ये चीज समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को नहीं, क्योंकि इसका डिटेल आप लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ये प्रोसेस क्या हमने कराया, देखो ये मेरे पास डबल स्ट्रैंड सीटीजी और जीएजी क्या है, ये सीटीजी और जीएजी बेटा एक सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर हमारे अच्छा इसकी फुल फॉर्म पूछा, हाँ सी फोर साइटोसिन टी फोर थायमिन गुआनिन एडेनिन, नाइट्रोजिनस बेसिस है ये, नाइट्रोजिनस बेसिस है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये अब क्या करता है ना, डीएनए से आरएनए बनवा रही हूँ, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन करा रही हूँ। yes. तो आप लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको सेम ये केस मैं दोबारा से भी बताऊंगी। इस चैप्टर में ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवाता है। डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, उन दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड को यूज करते हैं हम, और उस स्ट्रैंड को कोड करवाता है, उसको मतलब ट्रांसक्राइब कराता है, एक स्ट्रैंड को करता है सिर्फ उसे, ठीक है। अब एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट बोलता है, कोडिंग बोलता है, बहुत डिटेल हो जाएगा पूरा, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो मेरे पास नॉर्मल केस में जो जीएजी था वो एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था, कौन सा अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन
अब ये म्यूटेट होके जीएजी से जीयूजी बन चुका है, तो अभी कोई दूसरा अमाइनो एसिड बनाएगा, वो बनाएगा वैलिन, वैलिन एसिड। इसका मतलब मेरी जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, वो चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और कौन सी पोजीशन पे होती है ये? सिक्स पोजीशन। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये आता है कि भाई सिक्स पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड की जगह पे कौन सा अमाइनो एसिड आ जाता है? तो सिक्स पोजीशन पे वेलिन रिप्लेस हो जाता है, वेलिन रिप्लेस कर देता है ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन। ठीक है, जिसकी पोजीशन चेंज होते ही क्या हो जाता है, हमारा जो आरबीसी है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, चेंज हो जाता है फ्रॉम बाई कॉन्केव टू सिकल शेप, सिकल शेप बन जाता है। ये होता है हमारा सिकल सेल एनीमिया। मैम वहां पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वो चेंज होके सिक्स पोजीशन पे वेलिनिन बना लेगा ना? हाँ, मतलब नॉर्मल केस में तो बीटा ग्लोबिन चेन के सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, लेकिन जब किसी भी इंडिविजुअल को सिकल सेल एनीमिया हो, उसकी सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बनना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आरबीसी की शेप चेंज हो गई, बाइकॉनकेव से सिकल शेप बन गया। ओके जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस होगी वही डिसाइड करेगी आरबीसी की शेप क्या हो। लिख लिया क्या बोल रहे हैं जागृति? HBA पेप्टाइड एंड HBS पेप्टाइड। बेटा HBA और HBS पेप्टाइड कुछ नहीं होते, HB का मतलब है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में A का मतलब होता है आपका कि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, HBS का मतलब होता है ऐसा हीमोग्लोबिन है जिसको सिकल सेल एनीमिया हो चुका है। चलो इसका केस करके दिखाते हैं आप लोगों को। मेरे पास फादर है एक, एक मदर है। फादर के पास केस है HBA और HBS, इनके पास HBA और HBS, मतलब दो हीमोग्लोबिन की चेन है, दोनों में से दोनों के पास एक एक नॉर्मल चेन है और एक एक अफेक्टेड चेन है। HBA का मतलब होता है नॉर्मल और HBS का मतलब है अफेक्टेड। अब इनके बीच में जरा क्रॉस करा के देखो, मैम दो अफेक्टेड आ रहे हैं। कितने अफेक्टेड बने? मैम दो। एक ही तो बना मैम, एक मैम रिसेसिव है ना, एक ही बनेगा मैम लास्ट। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? 25% है ना। अब एक क्वेश्चन, मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था कि जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, देखो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक जीन प्रेजेंट होता है जो बीटा ग्लोबिन चेन को बनाता है। अब उस जीन के अंदर अफेक्टेड हुआ तो बीटा ग्लोबिन चेन भी नहीं बन पाई, हम साथ ही साथ हमारे आरबीसी की शेप भी चेंज हो गई, आरबीसी की शेप चेंज होगी उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी अफेक्टेड होगी। यस मैम, कैरेक्टर्स अफेक्टेड हो रहे हैं। तो सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी ठीक है, यस मैम। स्कूल में सिकल सेल हो गया हमारा। नेक्स्ट आती है हम लोगों के पास डिसीज फिनाइल कीटोनूरिया।
अब देखो फिनाइल कीटोन यूरिया, सबसे पहली चीज हम लोगों को पता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया का जो जीन था क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है, इसका क्रोमोसोम नंबर 12 पर प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर कौन सा जीन प्रेजेंट है? एक ऐसा जीन प्रेजेंट है जो एक एंजाइम को कोड कर रहा था। एंजाइम का नाम था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। अब ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज का काम क्या था? ये कन्वर्ट करता था किसको? फिनाइल एलेनिन को टाइरोसिन में कन्वर्ट करता था, को कन्वर्ट करता था टाइरोसिन में। अब मेरे पास जीन अफेक्ट हो गया तो मतलब मेरे पास एंजाइम भी नहीं बन पाएगा। ये एंजाइम नहीं बन पाएगा तो फिनाइल एलेनिन टाइरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यस मैम, है ना। अब मेरी बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो ये सारा का सारा। मैंने आपके ऊपर एक्स एक्स क्यों लिखा है? एक्स नहीं मतलब क्रॉस बनाया, क्रॉस मतलब ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है, नो कन्वर्जन। इसको आगे डिटेल में भी लिखवा दूंगी, डोंट वरी। अगर एक्यूमुलेट होगा हमारे टिश्यूज के अंदर, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड में, और ये एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू। हाँ जी, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं प्लीज। हाँ जी, अभी करती हूं बेटा रिपीट। देखो मैंने बोला फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी डिसीज है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 12 है। क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर एक जीन प्रेजेंट है जो जीन एक एंजाइम को कोड, बिकॉज एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स ना। यस मैम, ये भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। इस एंजाइम का काम क्या होता है? नॉर्मली फिनाइल एलेनिन जो हमारी डाइट में प्रेजेंट होता है उसको टाइरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब सपोज कर रहे हैं वो क्रोमोसोम नंबर 12 का जीन अफेक्टेड हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, जीन अफेक्टेड हो गया, एंजाइम नहीं बन पाएगा ना। एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन टाइरोसिन में भी नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। यस मैम, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब फिनाइल एलेनिन बॉडी के अंदर शुरू हो जाएगा। यस मैम, टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पाइरुविक एसिड के अंदर। और जब ये फिनाइल पाइरुविक एसिड बनता है, ये सबसे ज्यादा कोज करता है हमारे ब्रेन को मेंटल रिटार्डेशन, ये कराने लग जाता है। हेयर्स बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं, स्किन बहुत ज्यादा पिगमेंटेड हो जाती है। यस मैम, ये होता है इसके अंदर। अब दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, बिकॉज एक जीन अफेक्टेड हुआ, जीन ने एंजाइम को अफेक्ट करा, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ जिसने मेरा मेंटल रिटार्डेशन भी करा दिया, और ये एक्सक्रीशन के अंदर भी, यूरिन के अंदर भी एक्सक्रीट आउट होने लगा। स्किन को भी इसने अफेक्ट किया, मेरे हेयर्स को भी अफेक्ट किया। यस मैम, हाँ, पिगमेंटेड का मतलब डार्क हो जाती है, मेलानिन ज्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। So this is known as फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर नेक्स्ट डिसीज आती है मेरे पास थैलेसीमिया। हीमोफीलिया ऐसी थैलेसीमिया है। हीमोफीलिया क्या था? पिगमेंटेशन था हमारा। क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर, क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर। एंड दिस इज क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी अफेक्ट होगी, वहां पे ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पा रहा था। एक छोटा सा भी कट लगता है किसी हीमोफिलिक पेशेंट को तो उसका ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है, क्लोटिंग नहीं होता। यस मैम, मेरे भाई को है हीमोफिलिया, थोड़ी सी भी लगती है तो उसका ब्लड फ्लो होने लगता है। सॉरी, क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी में होता क्या है, लो आरबीसी काउंट होने लग जाता है। आप देखो इसके अंदर क्या होगा, लो आरबीसी काउंट है। अगर हम नॉर्मल केसेस में देखें, हीमोफीलिया जो होता है
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दो चेन से मिलके बना होता है, अल्फा चेन और बीटा चेन। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आपका जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया के अंदर अल्फा चेन अफेक्ट होती है, बीटा चेन अफेक्ट होती है, कौन सी वाली चेन अफेक्ट होती है? अल्फा, बीटा, दोनों हो सकती है, दोनों। अगर ये हमारी अल्फा चेन को अफेक्ट कर रहा है तो इसको बोल देंगे अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन को अफेक्ट कर रहे हैं तो बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अब क्या करता है ये, अगर हमारे पास अल्फा चेन को अफेक्ट कर रहा होता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, अल्फा थैलेसीमिया के अंदर कोई भी अल्फा चेन को बनने ही नहीं देता, नो अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन बिल्कुल नहीं बन पाती है। और अगर किसी इंडिविजुअल को बीटा थैलेसीमिया है तो बीटा चेन नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाती, लेकिन लेस अमाउंट में बनती है, लेस अमाउंट, बीटा चेन बनती है बट लेस अमाउंट में बनती है। आप किसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज का तो नॉर्मल है कि भाई वो तो 120 डेज के बाद डेथ उसकी तो हो ही जानी है। यस मैम। फिर आती है हमारे पास नेक्स्ट वन डिसीजेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब देखो जरा सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी डिसीज है, पहला क्वेश्चन, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। इसके अंदर क्या होता है, सॉल्टी स्वेट आने लग जाता है बहुत ज्यादा, सॉल्टी स्वेट, एंड इसके अलावा सिस्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिस्ट, एक सिस्ट बन जाता है, एक थोड़ा गांठ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, किसके अंदर, लंग्स, और उसको लंग्स के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन इन लंग्स या फिर पेनक्रियाज, और लंग्स आपके पूरी तरीके से डैमेज भी इसके अंदर हो सकता है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा जीन अफेक्टेड हो रहा है जो जीन हमारी बॉडी के अंदर आयंस की और सोल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। अब हमारी बॉडी के अंदर से प्रॉपर अमाउंट में सॉल्ट्स हो गए, आयंस हो गए, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो हमारे स्वेट के साथ निकलेंगे या तो, या फिर हमारे लंग्स और पैनक्रियास के अंदर एक्यूमुलेट होके सिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। यस मैम। यस, तो ये हो गया हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब बचती है हमारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मैंने आप लोगों को तीन बता दिए, डाउन सिंड्रोम, KTD, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, तीनों के। मैम एल्केप्टोनुरिया नहीं कराओगे? एल्केप्टोनुरिया का क्वेश्चन नहीं आता, नाम नाम याद रखना सिर्फ कि ये किस टाइप के डिसीज है। नोफिलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिनाइलकीटोनुरिया हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में ये देखो जरा, देखो डाउन सिंड्रोम के बारे में क्या बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम में द कॉजेज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। अगर इसको आप थोड़ा सा बनाना भी चाहो ना, देखो सपोज कैरियोटाइपिंग, मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, एक सेकेंड में चेक करती हूँ कैरियोटाइपिंग इन्होंने दिया हुआ है क्या आपको कहीं। हाँ ये रहा, देखो ऐसे इमेज दिखाई देती है कैरियोटाइपिंग के अंदर। अब ये देखो, ये मेरे पास फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, थ्री, गलत काम कर दिया शायद हमने। तो ये जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं ना, हर जगह दो दो क्रोमोसोम्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये एक पोजिशन ऐसी है जहाँ पे तीन क्रोमोसोम है, इसी को बोलते हैं हम आपका ट्राइसोमी। कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं? 21 क्रोमोसोम पे होती है, 21 वाले क्रोमोसोम पे। दिस डिजीज इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। तो क्वेश्चन में आपको ये जो अभी मैंने ग्राफ दिखाया ना, ये बना के दे देते हैं और डायरेक्टली पूछ लेते हैं किस टाइप की डिजीज है। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर
ट्राइसोमी पाई जाती है 21st क्रोमोसोम पे। इस डिसऑर्डर को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? लैंगडन डॉन ने किया था। 80s के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में किया था। अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होगा शॉर्ट स्टेचर्ड, मतलब उसकी हाइट छोटी होगी और उसका जो हेड वाला पार्ट होगा एकदम राउंड होगा, उसकी टंग भी ना फ्यूरोड समझते थोड़ी मुड़ी हुई होगी, और उसका माउथ जो होगा वो पार्शियली ओपन रहता है। पाल्म जो होंगे उसके ब्रॉड होंगे एंड उसकी जो पाम ट्रीज होगी ना बहुत ज्यादा डार्क बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होगी। वो फिजिकली हो गया, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट जो होंगे उसके रिटार्डेड होंगे, उसकी थिंकिंग पावर, उसकी कम्युनिकेशन पावर हर तरीके से वो रिटार्डेड देखने के लिए मिलेगा। तब डाउन सिंड्रोम के केस के अंदर फिर आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर कितना होता है? 47 क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, और एक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है? एक्स क्रोमोसोम ही होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम आता है यहाँ पे। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट उसके अंदर होने लग जाता है। हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट बताया था ना, गाइनेंड्रोमॉर्फ हाफ फीमेल कैरेक्टर हाफ मेल कैरेक्टर बता रहे हैं, उसी को गाइनेकोमेस्टिया बोल रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल ये भी हो सकता है, एंड ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल बन जाता है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोसोम की एब्सेंस हो जाती है तो हमारे पास 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। जीनोटाइप लिखेंगे तो 44 प्लस एक्सो। ऐसी केसेस में जो फीमेल्स होती है उनकी ओवरीज स्टेराइल और रूडिमेंट्री मतलब अंडर डेवलप, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगी। बाकी कुछ दूसरे फीचर्स भी हो सकता है जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं। टर्नर सिंड्रोम सबसे ज्यादा कॉमन फीमेल्स के अंदर होगा बिकॉज 45 प्लस एक्स है। वाई क्रोमोसोम होता तो मेल लाइक कैरेक्टर आता, यहाँ पे दो एक्स होती फीमेल बनती, एक एक्स नहीं है तो मतलब हाफ फीमेल कैरेक्टर उसके अंदर है सर। यस मैम। अब इसके अलावा ये हमको कुछ छोटे छोटे टर्म्स देते हैं जैसे एन्यूप्लॉयडी हो गया, पॉलीप्लॉयडी हो गया, ये समझते हो क्या होता है एन्यूप्लॉयडी पॉलीप्लॉयडी ये सब? मैम क्रोमोसोम से ज्यादा या कम हो जाते हैं? लिख लो इसको, देख छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक होता है एन्यूप्लॉयडी है पॉलीप्लॉयडी के अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम सिर्फ या तो ऐड होगा या डिलीट होगा। पॉलीप्लॉयडी के अंदर पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स के सेट ऐड होंगे या डिलीट होंगे। एनीप्लॉयडी में सिंगल क्रोमोसोम या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होंगे, पॉलीप्लॉयडी पूरा का पूरा सेट अफेक्ट होता है। तो एनीप्लॉयडी को कैसे लिखेंगे? एडिशन और डिलीशन। वन और फ्यू क्रोमोसोम। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे वो डाउन सिंड्रोम के अंदर देखा ना हमने ट्राइसोमी ऐसी होता है पहला, जैसे कि मोनोसोमी। मोनोसोमी के अंदर क्या होता है, आपके पास नॉर्मल कोई भी इंडिविजुअल 2n होता है, नहीं होता है? एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, नॉर्मल 46 होता है 45 रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनोसोमी। मोनोसोमी किसके अंदर पाई जाती है? टर्नर सिंड्रोम के अंदर ना। यस मैम ये हो गया। फिर मोनोसोमी के बाद आती है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2n+1 से ना। Yes, एक क्रोमोसोम ऐड हुआ है। Yes, और अगर मैं टेट्रासोमी पूछू तो 2n+2 क्योंकि जैसे हमने वो देखा ना अभी कैरियोटाइपिंग का चार्ट देखा था, एक साथ दो क्रोमोसोम थे तो ये बोल रहे हैं उन दो में से कहीं से एक गायब हो जाए तो एक सिंगल बचेगा, इसलिए मोनोसोमी बोलेंगे। उन दो के पास एक आके ऐड हो जाए तो क्या दिखेंगे मेरे को, तीन क्रोमोसोम दिखेंगे ना, वो ट्राइसोमी। Yes. दो और आ जाए तो टेट्रासोमी दिखेगा। लेकिन पॉलीप्लॉयडी में क्या होगा, एडिशन होता है पूरे के पूरे सेट का। जैसे कि सपोज करो कोई भी ह्यूमन है
अभी 2n है, वो 2n से पूरा का पूरा 3n बन जाए या फिर 4n बन जाए. 2n मतलब डिप्लॉइड, 3n मतलब ट्रिप्लॉइड, 4n मतलब टेट्राप्लॉइड, मतलब पूरी की पूरी प्लॉइड ही अगर चेंज हो जाए उसको बोलता है पॉलीप्लॉइड. यस मैम. बस यही इन्होंने लिखा हुआ है, पढ़ के देख लेना. एनीप्लॉइडी के अंदर गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है. और पॉलीप्लॉइडी जो होती है प्लांट्स में देखने को मिलती है ना, प्लांट में भी यहाँ देखने के लिए मिलती है, जैसे बीट वगैरह हो गया, ये रहा पॉलीप्लॉइडी. ट्राइसोमी, मोनोसोमी ऑफ अ क्रोमोसोम, सर्टेन कंडीशंस वेरी सीरियस एंड डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम सब कर ही लिया हम लोगों ने. ये पूरा फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में बताया हुआ है. दिस वन इज योर सिकल सेल एनीमिया के बारे में. सिकल सेल एनीमिया यही था ना पूरा, जीएजी था, जीयूजी बन गया. पहले बना रहा था क्या, ग्लूटामिक एसिड, वाइकॉन के लिए. दिस इज सिकल सेल. पेप्टाइड मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन है ये, और ये यस अफेक्टेड वाला पेप्टाइड है. डन हमारा चैप्टर. यस मैम. ये सिंबल्स और देख लो, वैसे तो सबको पता ही होगा. अगर स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे वो मेल होगा, राउंड फीमेल होगा. ऐसे सेक्स अनस्पेसिफाइड वैसे ही वाला केस देते नहीं है. अगर इनको फिल्ड कर देंगे किसी कलर से वो अफेक्टेड होंगे. बॉक्स के बीच में से सिंगल लाइन होगा मैटिंग, डबल लाइन होगा तो दो रिलेटिव्स के बीच में मैटिंग होगा. और ऐसे लाइन दिखा के ऐसे नीचे की साइड अटैच होंगे तो मतलब ये पेरेंट्स है और ये इनके ऑफस्प्रिंग्स है. ये पेरेंट्स है, ये इनके अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स. ये वाला करते ही नहीं है. इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर. और आपका पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक डिसऑर्डर, बिकॉज पूरे चैप्टर में ना तीन टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको नीट में क्वेश्चन मिलेगा. जेनेटिक डिसऑर्डर, टेस्ट्रोस और एक आपको ब्लड ग्रुप वाला, उन तीनों से क्वेश्चन आएंगे. इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पे. सारी डिसीज वही लिखी हुई है देखो, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया. चल अटेंडेंस ले ले जल्दी से हम लोग. अब बच्चों आप लोगों की ड्यूटी बचती है कि आप लोग इस चैप्टर को पूरा एनसीईआरटी फिनिश कर लेंगे एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे जितना होगा. बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं तो कराऊंगी कराऊंगी, हर एक टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी. इस कल तो देखो